गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा था मॉडल। कल हमने मॉडल्स के बारे में जाना, मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बारे में जाना, उसमें हमने जाना प्राइमरी मॉडल्स कौन से होते हैं और प्योर मॉडल कौन से होते हैं। प्राइमरी मॉडल्स में हमने टू डू, डू डस, डिड, टू बी, इज, एम, आर, वाज, वर, और टू हैज, हैव, हैड, ये जाने। और प्योर मॉडल में हमने जाने थे कैन, could, will, would, may, might, must, dare, need to, or used to, आदि के बारे में जाना, सेमी मॉडल्स के बारे में बताया। डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने प्योर मॉडल से। और प्योर मॉडल में अपना फर्स्ट जो मॉडल है उसको स्टार्ट करते हैं, और वो है can। डियर स्टूडेंट, can, can क्या होता है, can का यूज हम कब करेंगे, तो देखो सबसे पहले इसके अर्थ की बात करते हैं। तो कैन का जो अर्थ होता है, अर्थ से मीन्स मेरा यहाँ पर भाव, वो होता है सपना। तो होता है सपना, क्योंकि जो कैन है अलग अलग सेंटेंसेज में अलग अलग प्रकार के जो मॉडल्स होते हैं वो अलग अलग सेंटेंसेज में अलग अलग प्रकार के क्या देते हैं, अर्थ देते हैं। वो भाव के अनुसार अपना अर्थ निकालते हैं। तो कहने का मतलब है कि वैसे तो किसी मॉडल का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन उनके भाव होते हैं, तो उसका जो कैन है उसका भाव है सपना। अब इसका यूज हम कब करते हैं, तो कैन का पहला जो यूज है वो किया जाता है प्रेजेंट टेंस में। इसमें यूज किया जाता है प्रेजेंट टेंस में, हम कैन का यूज करते हैं। उसके बाद कैन का जो यूज है वो हमारे विभिन्न प्रकार के जो सेंसेज होते हैं, मनोभाव होते हैं, उनको अभिव्यक्त करने के लिए कैन का यूज किया जाता है। जैसे कल आपको मॉडल्स की मैंने डेफिनेशन बताई, तो मॉडल्स की डेफिनेशन में बताया कि मॉडल्स वे साइड क्रियाएं होती है जो कर्ता के विभिन्न मनोभावों को, जैसे ऑर्डर को, रिक्वेस्ट को, ठीक है, डिटर, मिनिशन आदि को क्या करें, शो करें, वो मॉडल्स कहलाते हैं। तो ये जो कैन है कौन कौन से मनोभावों को क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। तो सबसे पहले तो कैन करता है पावर, किसको, पावर को, ठीक। अभी जो पावर है चाहे वो कौन सी हो, मेंटल हो, ठीक, या फिजिकल हो, ठीक, पावर आए, एबिलिटी आए, एबिलिटी आए, एबिलिटी भी कौन सी, मेंटल एबिलिटी, माइंड वाली, या फिजिकल, कौन सी, शारीरिक योग्यता को बताए, ठीक। तो उसमें हम यूज करते हैं किसका, कैन का यूज करते हैं, एबिलिटी हो, एबिलिटी के साथ एबिलिटी मतलब होता है योग्यता, दक्षता, श्रेष्ठता, चाहे मेंटल एबिलिटी हो चाहे फिजिकल हो, उसमें हम यूज करेंगे किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगली, वो है हमारी कैपेबिलिटी आए, क्या है हमारी कैपेबिलिटी आए, कैपेबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, क्या हो, कैपेसिटी हो, ठीक है, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी यानी क्षमता, क्षमता, ठीक। तो इनमें हम जो यूज करते हैं वो किसका यूज किया जाता है, कैन का यूज किया जाता है, स्किल हो, क्या हो, स्किल हो, फोर्स, ठीक, फोर्स पावर की बात है। तो इनमें जो यूज किया जाएगा वो यूज किसका किया जाएगा, कैन का यूज किया जाएगा, और किसमें किया जाएगा, प्रेजेंट टेंस में इसका यूज किया जाएगा। तो अब हम उनके एग्जाम्पल देते हैं एबिलिटी का, कि किस प्रकार से मेंटल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी में हम किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। इसके अलावा कैन का यूज परमिशन में भी किया जाता है, तो वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, परमिशन वाला, पॉसिबिलिटी में किया जाता है वो आपको अलग से बताऊंगा। तो पहला तो है कि कैन का जो यूज है वो एबिलिटी में होता है, ठीक, एबिलिटी चाहे वो मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, कैपेबिलिटी में होता है, ठीक, कैपेसिटी में होता है, स्किल में होता है, फोर्स में होता है, पावर में इनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एग्जाम्पल है हमारा कि राहुल सो स्ट्रॉन्ग, राहुल सो स्ट्रॉन्ग, ही लिफ्ट दिस हैवी
ये एग्जाम्पल है हमारा। अब इसमें हमको ये जो ब्लैंक स्पेस है इसमें मॉडल क्या करना है, फिल करना है कि कौन सा हमारा मॉडल आएगा। तो सेंड एंसर, राहुल इज सो स्ट्रॉन्ग ही लिफ्ट दिस हैवी वॉक, कि राहुल में स्ट्रॉन्ग मजबूत है कि वह किसको एक हैवी वॉक को क्या कर सकता है, उठा सकता है। तो उसके अंदर क्या है, एबिलिटी है। और कौन सी एबिलिटी है, फिजिकल एबिलिटी है। फिजिकल एबिलिटी आपको अभी बताया कि कैन का यूज हम कब करेंगे, जब एबिलिटी आएगी। और कौन सी एबिलिटी, चाहे वो मेंटल एबिलिटी हो चाहे फिजिकल हो। अब फिजिकल रूप से वो सक्षम है, समर्थ है कि वह किसको उठा सकता है, सर हैवी वॉक को। और किसको यूज किया जाएगा, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में ये किसको कर रहा है, इसको, क्योंकि इस जगह कितना आते हैं प्रेजेंट में। तो ये होगा सेंटर हमारा कि राहुल इज सो स्ट्रॉन्ग, कि राहुल इतना स्ट्रॉन्ग है कही कि वह क्या कर सकता है, कैन उठा सकता है दिस हैवी वॉक, इसको, इस हैवी वॉक को। तो इस प्रकार से हम यूज करेंगे किसका, कैन का। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये तो था फिजिकल इसका एबिलिटी का, और मेंटल एबिलिटी का देखते हैं। मेंटल एबिलिटी में देखते हैं इसे हम, मोहे इज वेरी इंटेलिजेंट, मोहित इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन सॉल्व दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये अगला सेंटेंस हमारा कि मोहित इज वेरी इंटेलिजेंट, कि मोहित क्या है, वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट है, ठीक। तो क्या कर सकता है वो, कैन सॉल्व दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन, की जो कठिन क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकता है। अब कठिन क्वेश्चन को सॉल्व करने क्या उसमें एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो मेंटल एबिलिटी को यहाँ पे किया गया है, तो वहां पर हम यूज करेंगे किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये है कैन का यूज, कि एबिलिटी आए, ठीक है, कैपेबिलिटी आए, कैपेसिटी आए, पावर आए, स्किल आए, फोर्स आए, और प्रेजेंट टेंस को तो हम कैन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। और इनका ही ना यदि नेगेटिव सेंस आए तो कैन की जगह हम किसका यूज करेंगे, कैन नोट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, कैन नोट का। और कैन नोट की एक और मैं आपको बात बताऊंगे फ्रेंड, कैन नोट को कभी भी ऐसे नहीं लिखते, गलत है, ठीक है। स्पेस नहीं आता, कैन नोट भी जब आपको लिखना है तो हमेशा कैसे आया, इस प्रकार से आया, ठीक। तो नेगेटिव सेंस आ जाए इसके तो उसमें किसका यूज कर देंगे, कैन नोट का कर देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं कैन नोट वाला, कि मोरे इज सो पुअर, मोरे इज सो पुअर, वही कैन नोट, ही कैन नोट वाई दिस साइकिल, ठीक। अब उसकी क्या उपाय है, कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी सही, सामर्थ्यता, लेकिन सामर्थ्य कैसी आ रही है, नेगेटिव की वजह से, क्या है, पुअर है, कि वह साइकिल को क्या नहीं कर सकता, एफोर्ड नहीं कर सकता, उसको खरीद नहीं सकता। तो इसलिए क्या लिया यहाँ पर, कैन नोट। तो ये हुआ हमारा किसका यूज, कैन का यूज। अब कैन का यूज हमारा आया पॉसिबिलिटी में, ठीक। कब हम पॉसिबिलिटी में करेंगे, ठीक, और उसका यूज हम परमिशन में कैसे करते हैं, वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा।